सदर रजब तैयब उर्दवान ने मकबूजा कश्मीर में भारत की जबरी पाबंदियों और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला अकवामे मुत्तहिदा में उठा दिया। अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि यूएन की मंजूरशुदा करारदादों के बावजूद 72 साल से मसला कश्मीर हल नहीं हो सका। गुज़श्ता 50 दिनों से 80 लाख कश्मीरी महसूर हैं। जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर का हल एतमाद और बराबरी की बुनियाद पर होने वाले मुज़ाकरात से करना चाहिए। To which the international community fails to devote enough attention is the Kashmiri conflict awaiting a solution for 72 years. The stability and prosperity of South Asia cannot be separated from the Kashmiri issue. तुर्क सदर ने फलस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के नाजायज कब्जे के सबूत नक्शे की सूरत में पेश करते हुए कहा कि अपने कयाम से लेकर अब तक इसराइल मुसलसल फलस्तीनी जमीन पर कब्जा कर रहा है। इसराइली जमीन बढ़ती जा रही है और फलस्तीन का रकबा कम होता जा रहा है। क्या कोई इसराइल के बॉर्डर्स हैं? इसराइली सरहदों का तायुन क्यों नहीं किया जा रहा? This is 1947, the land of Palestine. There is seemingly almost no Israeli presence on these lands. The entire territory belongs to the Palestinians. So the map suggests. रजब तैयब उर्दवान ने ऐलान कर्द की तस्वीर उठाते हुए कहा कि आर्मी बरादरी भूख, खुराक की कमी, मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से हल की काबिलियत खोती जा रही है।